हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। बैग बनाने के लिए मैंने चौकोर कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई भी 16 इंच है और चौड़ाई भी 16 इंच है। बीच से एक बार फोल्ड करेंगे, अब एक बार और फोल्ड करेंगे। दो बार फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई 8-8 इंच हो गई है। यहाँ पर 4 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। दो बराबर भागों में इसे बांट लेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, भी नीचे वाला भी 4 इंच है। सेंटर पे मार्क करेंगे, और इसे भी लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ 4 इंच याद रखना है। अब ऊपर वाला जो स्क्वायर बन गया है 4x4 का, वहाँ पर इस तरह से हमें तिरछा मिला लेना है और कटिंग कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर 4 स्क्वायर बने हैं 4x4 के, तो एक की हम कटिंग करेंगे, जिधर खुला हुआ भाग है वहाँ कटिंग करेंगे। अब नीचे वाले को जहाँ से फोल्ड है काट कर निकाल लेंगे। तो ये हमारे बैग की कटिंग हो गई है। बहुत ही आसान कटिंग है, देखिए इस तरह की कटिंग हो गई है। अब इसी के नाप का हमें लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा काट लेना है और एक बुकरम का पीस या फिर पेपर पेस्टिंग का काटना है। बुकरम थोड़ा सा थिक होता है और पेपर पेस्टिंग थोड़ी पतली होती है, तो इसको गर्म आयरन से हम कपड़े के साथ पेस्ट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने कपड़े को रखकर आयरन कर लिया है, तो ये कपड़े के साथ चिपक गया। एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमें को नाप लेना है, कितनी लंबी जिप चाहिए। लगभग 21 इंच की है। बीच से जिप को खोल लेंगे और इस तरह से रखते हुए सिलाई करनी है। इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे जो सेम साइज का है। आप चाहे तो एक साथ भी सिलाई कर सकते हैं या अलग अलग भी सिलाई कर सकते हैं। देखिए, जिप की सिलाई मैंने पहले कर ली है, अब इसके ऊपर लाइनिंग को रखकर सिलेंगे। आप चाहे तो दोनों एक साथ भी सिल सकते हैं। इस तरह सिलाई करने के बाद जिप बीच में आ गई है। ऊपर मेन फैब्रिक है और नीचे लाइनिंग वाला फैब्रिक है। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच चलाना है और इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें जिप लगानी है। जिप का जो दूसरा भाग है उसे इसी तरीके से लगाएंगे। कपड़े के ऊपर जिप को रखेंगे और ऊपर से लाइनिंग वाले कपड़े को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, जिप दोनों साइड लग गई है। अब इसे हम सीधा करेंगे और जिप के किनारे किनारे हमें सिलाई चला लेनी है, प्रेस स्टिच चला लेनी है। अब जिप में हम रनर डाल लेंगे। रनर मैंने डाल लिया है, अब इसे उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। दूसरे किनारे भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए, साइड की सिलाई हो गई है।
सिलाई के ऊपर हमें कपड़े की एक स्ट्रिप लगाकर इस तरह से सिलना है और पीछे पलटकर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई के ऊपर पाइपिंग लगा ली है। अब कपड़े का दो पीस हमें लेना है 8x4 के, और दोनों कपड़ों को एक साथ रखेंगे। ऊपर से पेपर पेस्टिंग या बुकरम का एक पीस रखिए और थोड़ा सा खुला रखते हुए चारों साइड से सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। देखिए सिलाई हो गई है। अब दोनों कपड़ों के बीच से हमें इसे सीधा करना है और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, जो पेपर पेस्टिंग है वो बीच में आ जाएगी। ये देखिए जो खुली जगह थी इसके ऊपर मैंने सिलाई कर ली है और साइड के दो पीस हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरह से इसे सिलना है और ऊपर दोनों किनारों पर हम हाथ से सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मशीन नहीं चलानी है दोनों किनारों पर, और नीचे यहाँ पर हम मशीन से सिलाई कर लेंगे और यहाँ से हमें सुई धागे से सिलाई कर लेनी है जिससे सिलाई बाहर नहीं दिखेगी। 10x4 की दो स्ट्रिप को मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब इसको हम बैक के दोनों साइड में लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने हैंडल लगा लिए हैं। ये बैक ट्रे स्टाइल में है, इसमें ढेर सारा सामान आप रख सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। इसमें सामान रखने में बहुत सुविधा होती है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो ये बहुत ही यूज़फुल रहता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।